फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बच्चों को काउंटिंग में बच्चे को परफेक्ट कैसे बना सकते हैं हम। सो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं वीडियो में क्या लेकर आई हूँ। इट्स ए स्नेक एंड लैडर गेम। सो आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक गेम है, लेकिन इस गेम को खेलते हुए हम अपने बच्चों को काउंटिंग में परफेक्ट बना सकते हैं। सो हम देखते हैं कि बच्चे को काउंटिंग आ भी गई, वो लिखने भी लगा और बोलने भी लगा, बट फिर भी हमारा बच्चा काउंटिंग में मिस्टेक्स कर जाता है। लेकिन अगर हम इस तरह का गेम हम बच्चे को ला कर देंगे, फ्रेंड्स ये बहुत ही कॉमन गेम है, आप सभी के घर में होगा ही। फ्रेंड्स, स्नेक एंड लैडर गेम को हम एज ए काउंटिंग प्रैक्टिस हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग एक मैथ्स का टॉपिक है और मैथ में तो प्रैक्टिस चाहिए ही। विदाउट प्रैक्टिस तो हमारा बच्चा मैथ्स कर लेगा पर परफेक्ट नहीं बन पाएगा। तो आज देखते हैं एक इंटरेस्टिंग सा काउंटिंग प्रैक्टिस के लिए गेम। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। फ्रेंड्स, इसमें है एक डाइस और ये हम इन्हें बोलते हैं गिट्टियाँ। तो चलते हैं अपनी काउंटिंग की तरफ। तो इन्हें लेकर हम चलते हैं मदर्स के लिए काउंटिंग की तरफ और बच्चे के लिए एक परफेक्ट गेम की तरफ। ये देखिए कलरफुल गिट्टियाँ और डाइस, ये बच्चे को काउंटिंग में बहुत ही मदद करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें ये डाइस है और सो गेम स्टार्ट करने से पहले उसके रूल तो बनते ही हैं। तो स्नेक एंड लैडर के लिए हम बच्चे को पहले डाइस समझा देंगे। फ्रेंड्स, डाइस में 6 तक काउंटिंग है, बच्चे को दिखा दें 1, 2, 3, 4, 5 and 6। सो लार्जेस्ट डिजिट इसमें है 6 की। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, स्नेक एंड लैडर गेम अपने बच्चे के साथ आप जरूर खेलें, जिसे काउंटिंग में अप डाउन, असेंडिंग डिसेंडिंग और काउंटिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस बच्चे को हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इसमें बच्चे से ही कहें कि काउंट द डॉट्स, तो इसमें बच्चा काउंट करेगा 1, 2, 3, 4 और फिर आगे बढ़ाते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से बार बार हम करते जाएंगे और काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे। 6 डॉट्स, अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओ वाओ, इट्स ए लैडर। एंड और बच्चा लेडर पे चढ़ते हुए किस नंबर पे पहुंचा, कौन से नंबर पर पहुंचा, 36। देखिए ये एक परफेक्ट गेम है काउंटिंग सिखाने के लिए। नेक्स्ट टर्न 1, 1, 3, 8। सो 1, 2, 3, ओप्स, इट्स ए स्नेक, स्नेक बाइट। तो हम कहाँ पहुँच गए, वापस 4 नंबर पर। फ्रेंड्स, डाइस और स्नेक एंड लैडर या फिर सांप सीढ़ी जिसे बोलते हैं हम, इससे बच्चे की काउंटिंग प्रैक्टिस में बहुत ही मदद मिलती है। फ्रेंड्स, मैथ में परफेक्ट बनने के लिए काउंटिंग सबसे बेसिक चीज है। काउंटिंग की प्रैक्टिस के लिए हम इस तरह से अलग अलग गेम्स खिलवाते हुए हम बच्चे को अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आई होप कि मेरा ये आइडिया आपको पसंद आया हो। एक बार बच्चे के साथ जरूर ट्राई करना। बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे खेलेगा या फिर आपके साथ खेलेगा तो उसकी काउंटिंग, तो बच्चे की काउंटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उसे गेम खेलते वक्त इंजॉयमेंट भी फील होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।